हे एवरीबॉडी, जय हिंद आप सभी को। हमारे जितने भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली यूपीएससी या उसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं, आपको कुछ ऐसी 16 टिप्स आज देने वाला हूँ। गारंटेड टिप्स हैं जिनसे आपकी लाइफ का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। एफिशिएंटली आप काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे और आप अपनी जो ड्रीम जॉब है या सर्विस है उसको पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं 16 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, सभी के प्रिय हैं, इन्होंने एक बात बोली थी, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। ओके, आप अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते इस वे में कि आप चाहे जो और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हो जाए बिना कुछ किए हुए। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने जीवन को एक दीवार की तरफ से तरह से लेके चलिए। एक दीवार जैसे छोटी छोटी ईंटों से बनती है ना, वैसे ही आपका जीवन भी कुछ आपकी छोटी छोटी हैबिट से बनता है। छोटी छोटी हैबिट है लेकिन बड़ा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए बुरा खाना खाते हैं जिसमें सेचुरेटेड फैट्स हैं, उस फैट से क्या होगा, आपका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। आप डेली वो फूड खा रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आप आज एक्शन आप ले रहे हो वो आपका फ्यूचर यहाँ पे तय करने वाला है। तो यही यहाँ पे कलाम साहब ने कहा है कि आप अपना फ्यूचर यहाँ पे बदल नहीं सकते, लेकिन आप क्या बदल सकते हैं, हैबिट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है, फ्यूचर के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है। और अगर आपने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया, मतलब कि आपने वो हैबिट्स अपने अंदर डाल ली जो आपको सपोर्ट करती है आपकी ड्रीम को अचीव करने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए, तो श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो ये आपके फ्यूचर को श्योरली चेंज कर देगी आपकी कुछ हैबिट्स। ओके, अभी बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं सभी स्टूडेंट्स की, आप बताइए, सोचिए क्या हो सकती है। पढ़ाई को साइड में कीजिए, पढ़ाई अपने आप में एक बात है कि हम स्टडी करेंगे, हम ये किताबें पढ़ेंगे, ये प्लानिंग हो गई, ये स्ट्रेटजी हो गई, यहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से, उसको साइड में कीजिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो अपने गोल बनाते हैं सुबह उठने के लिए आप उठ नहीं पाते होंगे। ओके, जो आपने गोल बनाया है रात को सोने के लिए, हो सकता है आप 2 दिन निभाते हो, 3 दिन निभाते हो या एक दिन भी शायद ना निभाते हो। आपने सोचा है 10 बजे सोऊंगा या सोऊंगी और फिर आप नहीं सो पाते हो। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे के रीज़न क्या है ये जानने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपके फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ के इशू हो गए, घर में कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपको उतना ज़्यादा लाइक ना करता हो, आपके साथ लड़ाई करता हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे एक एस्पिरेंट की या एक स्टूडेंट की लाइफ में चलती रहती है। और क्योंकि ये उम्र छोटी है, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी होती है, नॉलेज की भी थोड़ी कमी होती है अभी इस उम्र में, तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही टिप्स मैं आज आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा मेन मकसद क्या है कि अचीविंग एफिशिएंसी। हमें क्या करना है, एफिशिएंसी हमें यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ पे पूरी क्षमता से काम कर पाए वो क्षमता हमें अचीव करनी है। अब कई बार क्या होता है कि आप सोच लेते हो फिर भी आप वो क्षमता अचीव नहीं कर पाते हो दूसरे रीजंस की वजह से, ठीक है ना। दिस साइकिल ऑफ बींग प्रोडक्टिव, एफिशियंसी को हम बोलते हैं एक ऐसी साइकिल जब आप हर टाइम प्रोडक्टिव हैं। आपने अगर सोचा है आप 10 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई करोगे तो वो आपके 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे एकदम प्रोडक्टिव है और वो सही दिशा में जा रहे हैं। आप जितना जो अपना यहाँ पे वर्क दे रहे हैं आपको रिजल्ट भी उतना ही मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक 100 डेज चैलेंज है, 100 दिन का चैलेंज है आपको। ये 16 एक्टिविटीज हैं जिनको आपको यहाँ पे पूरी तरीके से फॉलो करना है, इनको फॉलो कीजिए, लाइफ आपकी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली यहां पे चेंज हो जाएगी। आपको करना क्या है, किल द फ्रिक्शन। हमें फ्रिक्शन को खत्म करना है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा वीडियो के ऊपर, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, फिक्स टाइम ऑफ स्लीप एंड वेकअप, कि हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम हमारा सेट होना चाहिए कि हमें इतने घंटे सोना है। हम अपनी एक नेचुरल जो बॉडी साइकिल है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से टाइम सेट करते हैं, या फिर कई बार हम अपने गोल के हिसाब से भी टाइम सेट कर लेते हैं कि इतने घंटे हमारे लिए सोना भी सही रहेगा। फिक्स टाइम आपके लिए होना चाहिए सोने का और फिक्स टाइम होना चाहिए उठने का,
इसके पीछे रीज़न क्या है? एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम एक्चुअली अपने यहाँ पे दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब तक आप टाइम पे सोओगे नहीं, जब तक आपके घंटे फिक्स नहीं है, आप ना टाइम पे सो पाओगे ना टाइम पे उठ पाओगे, ठीक है ना, ये आपके साथ प्रॉब्लम होती रहेगी। अब मान लीजिए आपने ये लिखा कि मैं रात को 10 बजे सोऊंगा या सोऊंगी, और 9:30 बजे आपने एक डायरी लिखने के लिए प्रॉमिस किया अपने आपको कि मैं डायरी लिखूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर टाइम से नहीं सो रहे हैं तो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे, आपने सोचा है कि मैं 5 बजे उठूंगा और आप यहाँ पे 5 बजे उठ के वर्कआउट के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज के लिए जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो करेंगे, तो क्या आप अगर नहीं उठ पाएंगे तो क्या आप उन चीज़ों को कर पाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिविटीज़ आपने अपने लिए सेट करी है, सिर्फ ना टाइम से ना सोने और ना उठने की वजह से वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी पानी में चली जाती है। सो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, फिक्स टाइम ऑफ स्लीप एंड वेकअप, आपको फिक्स आर तक सोना है, आपको एकदम फिक्स टाइम पे सोना है, फिक्स टाइम पे उठना है। इससे क्या होता है, जब आप फिक्स टाइम पे उठते हैं तो आपका आपने जो अपना पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है, वो आपके हाथ में है, आप सारी एक्टिविटीज़ को अचीव कर सकते हैं और आपको एक प्राउड फील होता है कि आपका जो दिन है उसकी कमांड आपके हाथ में है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद है फिक्स स्टडी आर ओ और फिक्स डेली टारगेट्स टू अचीव द वन मोर स्टेप। आपने मान लीजिए किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के आने में अभी 300 दिन है मान लीजिए, तो हर एक दिन आपके लिए एक स्टेप का काम करेगा, है ना, हर एक दिन एक स्टेप का काम करेगा जो आपको लेना है। तो आप अपने दिन से कितना अचीव करना चाहते हैं, आप दो तरीके से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि या तो आपको 10 घंटे पढ़ना है उसमें जितनी भी पढ़ाई हो जाए, या आपको टारगेट सेट कर लेना कि मुझे इतने चैप्टर आज फिनिश करने हैं, और वो काम फिर आपको करना ही करना है ताकि आप अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ सके। ये जो आपका टाइम है, ये 8 घंटे 6 घंटे जो भी आप पढ़ने वाले हैं, ये एकदम फिक्स टाइम होना चाहिए, प्योर टाइम होना चाहिए। इसमें आप कोई भी यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो आपके फोकस और कंसंट्रेशन को हटाए, फोन से आप बच के रहेंगे इस टाइम पे पूरी तरीके से, आप एकदम प्रॉपर यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। देन इसके बाद है डेली एटलीस्ट 2 टाइम मेडिटेशन। देखिए हमारी लाइफ में मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकते हैं, अगर आप दिन में 1 बार या 2 बार कम से कम मेडिटेशन कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है, एक रीज़न तो ये है कि सबसे पहले हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा अनवायर्ड हो चुका है, ठीक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गलत पैटर्न बन चुके हैं ऑलरेडी। उन सारे पैटर्न्स को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे अपने दिमाग को रीवायर करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा आप अगर अपनी कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आप सिर्फ कुछ 20 मिनट एक जगह टिक के भी बैठ जाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना। तो मेडिटेशन जरूर से जरूर करें। अगर आप पूछे कौन सा मेडिटेशन, तो आजकल काफी सारे मेडिटेशन चलते हैं, काफी सारी एप्स हैं, कोई भी कर लीजिए, सारे ही मेडिटेशन ऑलमोस्ट अच्छे हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे सदगुरु वगैरह की ऐप है उस पर जाके भी काफी सारी मेडिटेशन है वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है डेली हनी 2-3 टाइम्स। अब देखिए मैं यहां पर आपको ना डाइवर्स चीजें बता रहा हूं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें हैं। आप सोचेंगे सर इस चीज़ का क्या लेना देना है, सोने और उठने का सारा लेना देना इसी का है। आप कितनी भी यहाँ पे किताबें लेके आइए अच्छी वाली, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़िए, अगर आपका जो डे है वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। फिक्स टाइम अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो डेली गोल हैं वो अचीव नहीं होंगे। आमतौर पर क्या होता है, आप देखते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में अभी 6 महीने हैं, उस हिसाब से आप देखते हैं कितना मुझे अभी यहाँ पे मेरा जो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो मुझे क्लियर करने हैं। फिर आप यहाँ पे 6 महीने का एक गोल सेट करते हैं, उसमें से आप मंथली गोल निकालते हैं, फिर वीकली और फिर डेली। जब आप डेली गोल अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप वीकली, मंथली या 6 महीने का गोल कैसे अचीव कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है मेडिटेशन, आपको कॉन्सेंट्रेशन और फोकस में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दिमाग के आपके दिमाग को ठीक रखने के लिए जरूरी है। सिमिलरली हनी का क्या यूज है, हमारा जो दिमाग है इसकी जो एक काफी अच्छी डाइट है वो है शुगर, ठीक है ना, ये मीठे से काफी ज्यादा
होता है, इसको मीठे से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और सबसे अच्छी फॉर्म में अगर हमें कुछ मीठा मिल सकता है, शुगर मिल सकती है, तो वो है हनी। ओके, सबसे बेस्ट इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जाके अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे हनी इफेक्ट्स ऑन ब्रेन, तो आपको पता चल जाएगा। आपकी आपको स्मार्ट बनाता है, आपकी मेंटल जो अलर्टनेस है उसको बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको तुरंत पढ़ने के लिए आधे घंटे के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है हनी, और आपकी ब्लड केमिस्ट्री के साथ भी मैच करता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ों का, कोई कैंडी हो गई, टॉफी हो गई, चॉकलेट्स हो गई, उन सब चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हनी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आप सीधा इसको गर्म पानी में डालिए, दो चम्मच पीजिए, आपको तुरंत यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी 10-20 मिनट के अंदर, ठीक है। इसके बाद है डेली हेल्दी फूड, वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट प्लेटर, सोक्ड नट्स, इजी ऑन योर सिस्टम। आपको क्या करना है, डेली हेल्दी से भी ज़्यादा हेल्दी फूड खाना है, बेस्ट फूड आप अपने लिए यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वो फूड खाइए। उससे क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये 16 के 16 स्टेप एक दूसरे को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं और अल्टीमेटली आपकी लाइफ को एफिशिएंट बनाते हैं। आप एक बार सोचिए कि अगर आप टाइम से सो रहे हैं और टाइम से उठ रहे हैं, तो क्या आप टाइमली मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे जो आपने चूज किया है? ओके, क्या आप अपने ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे? अगर आप अच्छा फूड खाते हैं, अच्छी आपकी फूड लाइफस्टाइल है, तो क्या आपको पढ़ने में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी? यहाँ पे जब आप इजी फूड खाएंगे जो आपके सिस्टम के लिए इजी टू डाइजेस्ट है, आप फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल सैलेड खा रहे हैं, सोक नट्स हो गए, जैसे आपके बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, रेजिन हो गई, कुछ भी हो गई जो आपको एनर्जी, रियल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या आपको पढ़ने में मदद नहीं मिलेगी? जब आप खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले जो दो मुख्य यहाँ पे ऑर्गन्स हम अभी देख सकते हैं, वो है, एक है हमारा लिवर, हमारा स्टमक सिस्टम, और एक है हमारा यहां पे ब्रेन। ये दोनों ही काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। आप जैसे ही हैवी फूड खाते हैं, तो क्या होता है, जो ब्रेन की भी ऑक्सीजन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है हमारे लिवर की तरफ, क्योंकि लिवर को फूड डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत होती है यहां पे ऑक्सीजन की, और वो सारी ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा खाने के बाद आपको लेजीनेस आती है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिल नहीं रही और वो लेजीनेस के स्टेज में जाने लग रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइप के फूड खाएंगे, तो ये आपके बॉडी पे, सिस्टम पे 1% भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, 1% भी गारंटी, ठीक है ना। आप खाइए, आपको खाने के बाद पता भी नहीं चलेगा, आपने फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल खा लिए, आपका दिमाग तब भी उतना ही ज़्यादा अलर्ट है और आप काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे फूड्स को अपनी में जरूर ऐड कीजिए। फूड का और क्या फायदा है वो समझिए। अगर कोई आप ऐसा फूड खा रहे हैं जो इजी टू डाइजेस्ट है, इसका मतलब है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम थक रहा है ना, उसको कम काम करना पड़ रहा है, और अगर वो कम थक रहा है तो उसको कम रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां पे कम नींद में भी काम चला सकते हैं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, तो वो आपका जो स्लीप कोटा है वो 6 घंटे पे आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है 2-3 महीने का, ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फाइबर इसके अंदर होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एकदम क्लीन रहती है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स के जरिए, तो उससे क्या होता है कि जो कोर एनर्जी है वो हमेशा बनी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप सुबह 7:30-8 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं आपको 2-3 घंटे बाद ही नींद आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल एकदम गहरी टाइप की नींद, एकदम लेजीनेस। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा यहां पे एसिडिक स्टेट में चली गई है, और आपका जो सिस्टम है वो ईज से, आसानी से डिस ईज की तरफ चला गया है, और आपकी जो कोर एनर्जी है वो निकल के बाहर नहीं आ रही है। तो काफी ज्यादा इनके फायदे हैं। आप कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं, कम सोने से काम चला सकते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है, आपका माइंड अलर्ट रह सकता है। इसके फायदे गिनाने की आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर है डेली 1 ग्लास एश गार्ड जूस। मॉर्निंग में सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं, उठने के 2 घंटे बाद आप एश गार्ड का जूस पी सकते हैं। एश गार्ड क्या होता है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 एल्कलाइन फ्रूट कह सकते हैं इसको, फ्रूट या वेजिटेबल की कैटेगरी में ही आता है एश गार्ड। सफ़ेद पेठा इसको बोलते हैं बेसिकली, जिसे वो पेठे की मिठाई बनती है वो वाला होता है एश गार्ड। ओके, तो इसका जो जूस है वो सबसे ज्यादा एल्केलाइन है। अगर आप अपनी बॉडी को अब देखेंगे यहां पे, वो 1 से 14 पे पीएच स्केल पे अगर आप उसको देखेंगे, 7 से ऊपर अगर जाएगा, 8, 9, 10, 11, तो वो ज्यादा एल्केलाइन होती जाएगी, जो आपकी बॉडी का आइडियल स्टेट है। आपकी बॉडी को एल्केलाइन स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो बीमारी होती है ना, वो 7 से नीचे के स्टेट में होती है। जब आप मीट खाते हैं ज्यादा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं भारी मात्रा में, आप कुछ मैदा वगैरह के, आजकल ये समोसे
वगैरह इस टाइप की चीज़ें आप खाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एसिडिक होती जाएगी, जितनी एसिडिक होती जाएगी वो आपकी एनर्जी को किल करती जाएगी और जितनी भी बीमारियां मैक्सिमम होती है वो एसिडिक बॉडी के अंदर ही होती है। इवन आपकी जो कैंसर वगैरह है वो भी एसिडिक बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने अपनी बॉडी को एल्कलाइन स्टेज में रखा हुआ है तो आपको कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो 90% तक कम रहते हैं। तो आप इसकी यहाँ पे अहमियत समझ सकते हैं, आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। और इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि ये दिमाग को शार्प करता है, पैना करता है, ठीक है ना। स्पेशल फूड है दिमाग को धारदार करने के लिए, शार्प करने के लिए, आपकी इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए, एश गार्ड जूस। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेमन वाटर भी पी सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इसके अलावा कोई वेजिटेबल जूस वगैरह अगर आप पी सकते हैं जो एल्कलाइन इन नेचर हो, जैसे आपके स्पिनच वगैरह हो गए, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक ग्रेट टिप है, एश गार्ड जूस। इसके फायदे आप यूट्यूब पर एक बार देख लेना भलाई। फिर है डेली 40-60 मिनट वर्कआउट। आपको डेली 40 से 60 मिनट वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट जब करते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामिन नाम के हमारे केमिकल्स या हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। उससे क्या होता है, हम हैप्पी हो जाते हैं, हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा प्राइड फील करता है, वो गिल्ट के स्टेट में से बाहर आता है, वो चीयरफुल होता है, वो खुशनुमा अंदाज में आता है। और जब हम खुश होते हैं, चीयरफुल होते हैं, तब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होके काम करते हैं, है ना। हमारे दिमाग में आइडियाज ज्यादा आते हैं। प्लस में हमारी जो बॉडी है, अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को देखेंगे, हमारी बॉडी की नीड है कि हम डेली कुछ किलोमीटर्स वॉक करें, कुछ वर्कआउट करें। लेकिन आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जो 100-150 साल से बनी है, जब से ट्रेन आई, कार्स आई, ये सब चीज़ें आई, तब से ऐसी हो गई है कि हमारा जो रियल नेचर है बॉडी का उसको हम भूलते जा रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे बीमारियों से आज के टाइम पे लड़ रहे हैं। तो डेली 40-60 मिनट आप वर्कआउट हर हाल में करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग में और बॉडी में वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब आप थकते हैं तो सांस गहरी लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन और भी ज़्यादा अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन आपके दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल है। ओके, फिर है डेली शॉर्ट वर्कआउट इन बिटवीन द स्टडी और वर्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह वर्कआउट कर लिया और सिर्फ उससे हो गया और फिर आप यहाँ पे लगातार 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर ब्रेक ले लेके भी पढ़ रहे हो लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे। नहीं, आप अपनी बॉडी को 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए लगातार बिना वर्कआउट के छोड़ ही नहीं सकते, वरना आप अगेन उसी स्टेज में चले जाएंगे। आपको हर 2 घंटे में एटलीस्ट 5 मिनट का वर्कआउट करना है। जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, खड़े होके आप यहाँ पे नॉर्मल जंपिंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करेंगे तो 3 मिनट के वर्कआउट, 5 मिनट के वर्कआउट, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है वो आपको मिल जाएंगे। आई से रिलेटेड वर्कआउट होते हैं ताकि आई जो है आपकी वो रिलैक्स हो जाए। सर्च कीजिए, आपको सारे वर्कआउट मिल जाएंगे, वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो है ना वो एकदम से चलता रहता है। हर 2 घंटे में आप उसको चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन तक भी ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहती है। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आइकिगाई करके, जापान का कॉन्सेप्ट है, एक किताब है, उसमें भी यही बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे लगातार बैठ के काम करते हैं एक चेयर के ऊपर और आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप हर 25-30 मिनट में खड़े नहीं हो जाते हैं अपनी उस चेयर से, तो आप अपना लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा घटा लेते हो। करीब करीब 20-30 साल आप अपनी जो लाइफ है उसको कम कर लेते हो। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखना, आप इसको एक बार नेट पे पढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बीच के छोटे छोटे वर्कआउट। देन है डेली स्लीप एंड वेकअप विद प्राइड थ्रू वर्क। कभी भी गिल्ट में मत सोना, गिल्ट आपको सोने नहीं देता, या अगर आप सोते भी हैं तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। हमेशा प्राइड के साथ सोइए, सेटिस्फिकेशन के साथ, संतुष्टि के साथ, खुश होके आपको यहाँ पे सोना है। और वो कैसे होगा, थ्रू वर्क। अगर आपने अपना दिन जैसा प्लान किया था वैसे अच्छे से जिया है, अच्छे से आपने उसको प्रोडक्टिव बनाया है जैसे आपने सोचा था, या उसका 80% 70% भी, तो आप प्राइड के साथ यहाँ पे सो सकते हैं। उससे क्या होता है, जब हम खुश होकर सोते हैं तो हमारी जो मेमोरी नेटवर्क है वो और ज़्यादा अच्छे बनते हैं, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, हम अगले दिन मॉर्निंग में और अच्छे मूड में उठते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट है, कभी भी गिल्ट में मत सोना। अगर नींद नहीं आ रही और गिल्ट है तो कम से कम उठ के बैठ जाओ और 1-2 घंटे पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। इसके बाद है डेली विजुअलाइज योर डे एज वन मोर स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। इसमें क्या है, आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है,
आपने एक टारगेट बना लिया, आपने पेज पे लिख लिया आप क्या अचीव करना चाहते हैं आने वाली एक साल में, दो साल में, तीन साल में, ओके, या आप अपनी आईपैड में, लैपटॉप में, फोन में ऐसा कुछ पिक्चर के साथ अपना एक गोल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब आप उसको विजुअलाइज करेंगे दिन में कम से कम यहां पे 3 बार, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक सेकेंड, ओके, यहां पे ये वाला पॉइंट ये अलग है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट है, डेली विजुअलाइज योर डे एज वन मोर स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। हमेशा आपने दिन को ये समझ के चलना मॉर्निंग में उठते ही कि आज का जो मेरा दिन है वो एक और कदम है कामयाबी की तरफ। जैसे कि आप अपने आप को ये बोल सकते हैं डेली सुबह उठ के, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, कि आज का मेरा जो ये दिन है ये एक अगला कदम है लभासना की तरफ या स्वप्ना की तरफ, आप जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी तरफ, ठीक है ना। देन इसके बाद है डेली प्रैक्टिस More love and specially respect for your elders and near one। देखिए, इसमें दूसरों की भलाई नहीं है कि आप किसी के लिए प्यार महसूस करें या रिस्पेक्ट, उसको इज्जत दें, आप यहाँ पे उसके साथ प्लीजेंट होके रहें, उसमें उनकी कितनी भलाई है उसको छोड़िए, आपकी भलाई बहुत ज्यादा है। जब आप प्लीजेंट स्टेट में रहते हैं, जब आपको सब कुछ ठीक ही लगता है ज्यादातर चीजें, आप क्या करते हैं फ्रिक्शन से बच जाते हैं, आप अपने आप को जबरदस्ती चैलेंजेस में नहीं डाल रहे, आप अपने दिमाग को और बॉडी को परेशान नहीं कर रहे, आप अपने आप को हाइपर नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपने जो घर में जो भी बड़े हैं या जो भी आपके यहाँ पे नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, जो भी आपको प्रिय हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट देना और प्यार देना। इससे क्या होता है, आप अच्छे स्टेट में होते हो, अच्छे मूड में होते हो, आपकी ये वाली एक्टिविटी सारी एक्टिविटी को यहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट करती है, माहौल अच्छा बनता है, आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा काम आप यहाँ पे कर पाओगे। देन इसके बाद है डेली ग्रेटफुल फॉर लाइफ टूडे एंड टू नाइट। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही अपने जो भी आपके पास है, मुझे नहीं पता आप करोड़पति हैं, लखपति हैं या कोई से भी पति नहीं है, आप जो भी आपकी लाइफ है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डेली ग्रेटफुल फॉर लाइफ, आप अपनी जीवन के लिए जो भी आपको मिला है अपनी लाइफ में, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें, उनके लिए शुक्रिया अदा रहे। आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके कोई भाई बहन, आपके कोई टीचर्स, आपको आपके हाथ में एक फोन है तो उसके लिए शुक्रिया अदा रहिए, आप अगर आपके सर पे छत है तो उसके लिए शुक्रिया अदा रहिए, शुक्रमंद रहिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ को जो हमें मिली है, इससे हम यहाँ पे अपने दिमाग का एक अच्छा माहौल मॉर्निंग में ही क्रिएट कर लेते हैं। हमने अपना वो वाला माहौल नहीं बनाया कि हम हर एक चीज़ को देख के रो रहे हैं सामने वाले को देख के, क्योंकि हमसे नीचे भी बहुत ज़्यादा हैं और जो हमें मिला है वो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेड है, हम बिल्कुल उसको अपनाते हैं और अब यहां से हम देखेंगे कि हम कितना ऊपर उठ सकते हैं और क्या कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है ना। एक चीज ये भी याद रखना कि भगवान आपकी जो काबिलियत है ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से आपको चैलेंज भी देता है, इस चीज को आप याद रखना। अगर आपको ज्यादा चैलेंज मिले हैं इसका मतलब ये है कि आप में कैपेबिलिटी भी भगवान ने ज्यादा ही दी है। फिर आज के अपने दिन के लिए, टुडे के लिए और देन टुनाइट के लिए आपको यहां पे शुक्रिया अदा करना है। टुडे के बारे में आप क्या सोचेंगे, आज के दिन के बारे में आपको फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है, ये इसके लिए मैं स्पेशल अभी वीडियो लेके आऊंगा, इससे अगली से अगली वीडियो वही आएगी। आपको सोचना है अपने दिन के बारे में, आंख बंद करके इमेजिन करना है सुबह उठते ही 5 मिनट बाद ही, क्या सोचेंगे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज के दिन को मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ, एकदम एक्साइटेड, एकदम हैप्पी, ठीक है ना, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बड़ा अच्छा माहौल है। इस तरीके से आपको अपने दिन के बारे में सोचना है। तो आपने क्या किया, अपने दिमाग को ऑटो सजेस्ट कर दिया है ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए, आपने बोल दिया आज का दिन अच्छा है तो आपके दिमाग ने समझ लिया कि यस आज का दिन अच्छा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आपके जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना आप उनसे बच जाएंगे। किसी दिन आप यहाँ पे नेचुरली अच्छा फील कर रहे हैं, किसी दिन बुरा फील कर रहे हैं, नहीं, आपको हर दिन मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को फोर्स करना है अच्छा यहाँ पे फील करने के लिए। सेम आपको टुनाइट में करना है कि आज की जो रात है ये एकदम बेस्ट नाइट है, आज का जो दिन था वो मैंने बहुत अच्छे से जिया, बहुत बढ़िया से जिया, कल का जो दिन है उसको भी बहुत अच्छे से जी रहा हूं, आने वाला जो कल है आपको उसमें भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना कि जीऊंगा, नहीं, आप उस दिन को भी अच्छे से जी रहे हैं और आप उस दिन के लिए और ज्यादा एक्साइटेड, आप कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आपने अपने दिमाग को एक सलाह दे दी बेसिकली, या एक डायरेक्शन दे दी अगले दिन के लिए भी, है ना। तो आपको मॉर्निंग में इससे उठने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है टाइम पे। तो इस तरीके से यह होगा, यह मैं आपको डिटेल में बता दूंगा एक वीडियो के अंदर। फिर है डेली विजुअलाइज द मेन कोर ड्रीम्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। ये वाला पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे बताने लगा था,
करना क्या है, अपने फोन में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, या पेपर पे अपनी एक बुकलेट बनाइए अच्छी सी, उसमें आपके जो ड्रीम है, जो आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, सभी ड्रीम्स स्टेप बाय स्टेप जो आप अचीव करना चाहते हैं उनको आप उसमें लगाइए। उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कीजिए, फोन में बना सकते हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है। उसमें क्या करेंगे, एक बार मॉर्निंग में उठते ही या थोड़ी देर बाद, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक बार दिन में, दोपहर में, एक बार रात को सोने से पहले आप अपने उन सारे सपनों को विजुअलाइज करेंगे। इससे क्या होता है कि ये कोई ऐसी वहम वाली बात नहीं है कि ये कोई या स्पिरिचुअल बात हो गई, नहीं, ये साइंटिफिक बात है। आप अपने दिमाग को सिंपली रिमाइंड करा रहे हो कि आपको किस दिशा में जाना है और आप किस दिशा में जा रहे हो। आपका जो पूरा दिन है ना, वो आप एक्टिवली हर चीज आप सोच के नहीं करते कॉन्शियसली, आपका सबकॉन्शियस दिमाग काम यहाँ पे काम करता है, आपको चलाता है पूरे दिन। आपके दिन में पूरा, आपके दिन में हर टाइम आप ये नहीं सोचते कि मुझे अभी पानी ही पीना है, गाड़ी चलाते हैं तो मुझे आपको कौन सा गियर लगाना है, आपको क्लच दबानी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। उसी तरीके से जो आप अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज के आप ड्रीम ले रहे हो ना, वो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस पार्ट में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। और जब वो सबकॉन्शियस में जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक गियर में आ जाएगा और वो चीजें अपने आप होने लगेगी, आप उसी दिशा में आगे बढ़ने लगोगे। तो आपको अपने आप को डेली 3 बार एटलीस्ट अपने गोल को याद कराना है, अपने ड्रीम्स को याद कराना है। इनको याद करते हुए पूरा इंजॉय कीजिए, क्लियर पिक्चर इनकी दिमाग में बनाइए, एकदम क्लियर शार्प, कि आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप लबासना में खड़े हुए हो, एकदम शार्प, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, क्लियर विजन आपका होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर विजन यहाँ पे, ठीक है ना। देन है डेली स्टे चीयरफुल एंड एनर्जेटिक थ्रू ड्रीमिंग ऑफ योर गोल, म्यूजिक, गुड रीडिंग्स, वर्कआउट, थिंकिंग ऑफ गुड एंड वेलफेयर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, आप अपने दिन को कितना प्रोडक्टिव बना पाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। और खुश होना और एनर्जेटिक होना कई बार क्या होता है कि नेचुरली तो किसी दिन हम होते हैं, किसी दिन नहीं होते, लेकिन आपको क्या चाहिए कि आपको हर दिन होना है। वो कैसे करेंगे, आप अपने यहाँ पे जो आपके गोल्स हैं उनके बारे में सपने लीजिए, अपना हेडफोन लगाइए, म्यूजिक सुनिए, सपना लीजिए, आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। गाने सुन सकते हैं सिर्फ, यहाँ पे कोई अच्छी मोटिवेशनल, आपको कोई ऑथर है या जो भी आपको कोई पसंद है उनकी रीडिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, वर्कआउट आप यहाँ पे कर सकते हैं, थिंकिंग ऑफ गुड एंड वेलफेयर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, आप अपने और बाकी के वेलफेयर के और अच्छे के बारे में सोच सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा चीयरफुल होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आप जो भी यहाँ पे कुछ अचीव करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के या गाने सुन के या वर्कआउट करके आप इस स्टेट में यहाँ पे रह सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर है डेली रिएक्टिंग टू एनी गुड, बैड और इवन वर्स्ट थिंग विद नॉर्मलसी। आपको क्या करना है, ये लाइफ है ना, आपने तो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपके सामने एक्चुअली में क्या आने वाला है वो आपको पता नहीं है। सामने वाला आपके साथ आमतौर पे क्या ही करने वाला है, क्या रिएक्शन मिलने वाली है। आप ठीक काम भी कई बार करते हो तो आपको बुरी रिएक्शन मिल जाती है, तो चाहे आपको अच्छी रिएक्शन मिले, चाहे आपको यहाँ पे बुरी रिएक्शन मिले, या बिल्कुल एकदम बेकार किस्म की, वर्स्ट किस्म की आपको रिएक्शन मिले, आपको यहाँ पे रिएक्ट करना है एकदम नॉर्मलसी के साथ, मतलब कि एकदम आपको शांति के साथ। उससे क्या होगा, 20 सेकंड आप कुछ रिएक्ट ही मत कीजिए, इसमें भी आप कोई यहाँ पे झुक नहीं रहे हैं, आप अपना ही भला कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। जितनी एनर्जी आपको 2-3 घंटे पढ़ने में लगती है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी आप 5 मिनट या 10 मिनट की लड़ाई के अंदर या हाइपर होके ही वेस्ट कर देते हो। तो हमेशा आप इस नॉर्मलसी के स्टेट में रहिए, आप अपना लालच रखिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे अब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पार होके जाना है इस पूरे प्रोसेस में से, और मैं अपने आप को कहीं पर भी अपना समय या एनर्जी बाद नहीं होने दूंगा। इसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड देन प्लानिंग। जो भी आपकी सिचुएशन है दोस्त, जिस भी सिचुएशन में हो, पढ़ने के लिए पैसे हैं या नहीं है, घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, गरीब हो, अमीर हो, देश के पता नहीं कौन से कोने में से हो, पता नहीं आपको क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अमीरों को भी प्रॉब्लम है, गरीबों को भी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास को भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि एक्सेप्टेंस एंड देन प्लानिंग।
जो भी रियलिटी है उसको पहले मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप सोचेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से कैसे आगे निकलना है। तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप प्लानिंग कीजिए। रोना धोना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का नहीं करना है, इस बात को याद रखना। मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा काबिलियत है इसीलिए भगवान ने ज़्यादा चैलेंज भी आपको यहाँ पे दिए हैं, ज़्यादा चीज़ें अचीव करने के लिए, ताकि 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपने बारे में सोच सको कि मैं कहाँ था, थी और हम कहाँ पे आ गए अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक वीडियो थी, ये 100 दिन का चैलेंज है। इन हर एक चीज़ को फॉलो करना शुरू कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे बताया आपके दिन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि आप हर एक दिन एक कदम मान के चलेंगे और आप उतना काम करेंगे तभी आप मानेंगे अगर आपने वो टारगेट अचीव किया है कि हाँ, मैं एक कदम आज चल चुका हूँ, ठीक है ना। आप मेडिटेशन करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बनाने के लिए, फोकस बनाने के लिए, ये मेडिटेशन जो है ध्यान लगाना, ये भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में नहीं होता है, ये खुद के बारे में होता है, इनर सेल्फ के बारे में होता है। फिर आप शहद जो पी रहे हैं उसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और दिमाग के लिए शहद से अच्छा कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकता। डेली हेल्दी फूड आप खाएंगे, सैलेड हो गई, फ्रूट प्लेटर हो गया, सॉक्ड नट्स हो गए, जो भी आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इजी फूड अवेलेबल है वो खा लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एश गार्ड का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, या फिर आपका यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, आपके वेजिटेबल का कोई जूस हो गया, या अगर आखिरी में आप जूस नहीं बना रहे हैं तो आप मॉर्निंग में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ज़्यादातर सारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं। देन वर्कआउट मैंने आपको बता दिया, इसके फायदे बता दिए, फिर आपके यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट वर्कआउट बता दिए, स्लीप एंड वेकअप विद प्राइड थ्रू वर्क, काम करेंगे, प्राइड आएगा तो और ज़्यादा दिमाग काम करेगा, क्रिएटिविटी आएगी, आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है ना, खुशनुमा माहौल में रहोगे। विजुअलाइज करना है हर एक दिन को कि हाँ, मैं एक दिन और ज़्यादा आगे आज बढ़ने वाला हूँ अपने ड्रीम की तरफ। ज़्यादा प्यार, ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने बड़ों के लिए और अपने नियर वंस के लिए, खुद को प्लीजेंट रखने के लिए, खुद को अच्छे मोड में रखने के लिए। ये नहीं है कि मैं अगर किसी को प्यार कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे को गाली दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं क्यों करूँ उसको। नहीं, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो ये, ठीक है ना, आप अपने लिए कर रहे हो, इस चीज़ को समझो। फिर हो गया ग्रेटफुल होना लाइफ के लिए, आज के दिन के बारे में अच्छा सोचना, रात के बारे में अच्छा सोचना। आप 24/7 आप यहाँ पे अच्छे मूड में आ जाओगे, ठीक है ना। फिर है 3 बार अपने यहाँ पे गोल्स को, ड्रीम्स को अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज करना, एकदम अच्छे से, ठीक है ना, ताकि वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सको, आप उस दिशा में आगे बढ़ सको, आपके सबकॉन्शियस दिमाग में वो पैटर्न में जाके चीज़ें बैठ जाएं। फिर आपका हो गया चीयरफुल होना, एनर्जेटिक होना, क्या तरीके हैं वो मैंने बता दिया, और नॉर्मेलसी से रहना है हर एक कंडीशन के अंदर, अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है इन साल, 2 साल 3 साल के टाइम पे, और एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ना है। रोना धोना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का नहीं करना है। 16 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एफिशिएंसी आपके अंदर आएगी, फ्रिक्शन आपका सारा का सारा इन्हीं पॉइंट से खत्म हो जाएगा। तो ये लाइफस्टाइल टाइप के आपके लिए कुछ टिप्स थी, स्टडी टिप्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलती रहती है, लेकिन ये लाइफस्टाइल वाली आपके लिए टिप्स थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपके काम की कुछ रहे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। अगर आप कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं कि कैसे आप टाइम से उठ सकते हैं, कैसे टाइम से सो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।